અંબાજીમાં મોડી રાત્રે આરટીઓ હપ્તા ઉઘરાવે છે ટ્રક ચાલકોનો આક્ષેપ. ટ્રક દીઠ 400 રૂપિયા ઉઘરાણી કરી બિલ્ટી પડાવી લીધી હોવાના ટ્રક ચાલકોના આક્ષેપ છે. ટ્રક ઓવરલોડ ન હોવા છતાં ટ્રક ચાલકોને કલાકો સુધી રોકી રાખવામાં આવ્યા. આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર સાદા ટ્રેસમાં અસલી કે નકલી તે પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. જ્યારથી ગુજરાત સરકાર તરફથી આરટીઓ બંધ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, આરટીઓ અધિકારીઓને જલસા થઈ ગયા છે. અલગ અલગ ટોલ નાકા પર ગાડીઓ લઈ ચક્કર મારતા અધિકારીઓ તરફથી ટ્રક ચાલકોને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે તેવું જાણવા મળેલ છે. અહેવાલ દિલીપ ત્રિવેદી સાથે એચપીએન ટીવી ન્યૂઝ દિશા. કેટલી ગાડી ગયા છે આપકે પાસ? 5 ગાડી હે. 5000 રૂપિયા માંગ રહા હે. બરાબર. તો ઓર ડોક્યુમેન્ટ મે આપકે પાસ સબ કુછ હે? પૂરા કમ્પ્લીટ હે સાહેબ. જો બોલેગા વો ગાડી કા જિતના ડોક્યુમેન્ટ હોતા હે ઉતના પૂરા કમ્પ્લીટ હે. ઓર આપકે ઓર ગાડી એક ટન અંડરલોડ હે હમારી. બરાબર. ઓર સરકારી ખાન સે ભરા હે. અગર ઓવરલોડ હોતા હે તો ઉસકા રવાના ભી નહીં નિકલતા હે. બરાબર. और आपने बात की जब वो उधर से आरटीओ ऑफिसर से, तब क्या बोला? पैसा देना ही पड़ेगा या तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आपका चलान ही नहीं हुआ है. बराबर. तो और मैं बोला किस बात का चलान कर रहा, बोलता मैं करूंगा. बराबर. या तो एंट्री दो मेरे को 400 रूपए. बराबर. एंट्री के 400 रूपए अलग से मांगे? अलग से. बराबर. और आपने जब बोला कि भाई काई के पैसे, और वो लोगों ने वर्दी पहनी हुई थी कि नहीं पहनी हुई थी? नहीं पहनी हुई थी. सब सिविल ड्रेस में? सब सिविल ड्रेस में. बोल रहे हमारे को चलान कर दूंगा मैं पैसा अगर नहीं देगा तो. और गाड़ी जो आता है स्पीड से वो टॉर्च लेके आता है सामने. बराबर. गाड़ी आगे आ जाता है. उधर कितने जन बैठे हुए थे? तीन जने बैठे हुए थे. और बोले तीनों आदमी. अच्छा. बोले के पैसे तो देने ही पड़ेगा. पैसे देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो यहाँ परमिट जमा कर दो और मैं चलान करूंगा. अच्छा. पीओ हुए के सादे है कुछ कुछ पैसा ना पता नहीं. ओके ठीक है. आपका नाम सर? रामचंद्र. आपका? सरवन भाई. आपका? दशरथ भाई. आपका? आपका क्या नाम है? कैलाश भाई. आप? सरवन भाई. ठीक है. तो इधर जो आरटीओ वाले बहुत परेशान करते हैं आपको, उसका कहने का परेशान करते सर हम परमानेंट महीने के अंदर 6 बार आते हैं, 6 बार परेशान करके पैसा लेता है. आज हमारे पास पैसा है नहीं. बराबर. ओके सर. हाँ साहब. आप जो गाड़ी लेके आए तो आरटीओ वाले ने आपको क्या किया? ये बिल्टी ले लिया और बोल रहा 400 रूपए देना पड़ेगा. देना ही पड़ेगा? ऐसा ही देना पड़ेगा. हमारा गाड़ी अंडरलोड है. हाँ. कागज कंप्लीट है और फिर बोलता है 400 रूपए देना ही पड़ेगा. आपने बोला कि बॉर्डर बंद है ना साहब? हाँ. बोला कोई बंद नहीं है, चालू है. अच्छा. आरटीओ साहब देना पड़ेगा? आरटीओ साहब खुद थे? आरटीओ साहब के कोई साथ वाला ही है. वर्दी नहीं पहनी हुई थी? सिविल ड्रेस में थे? सिविल ड्रेस में. बराबर. आपको गाली वाली दी? गाड़ी के आगे आगे यार बोलते हैं हमारे को पैसा देना पड़ेगा. आपको गाली वाली दी थी? गाली वाली कुछ नहीं दिया, बोला बिल्टी दे दो और आगे जाओ. अच्छा. इधर खड़े मत रहो. और तुम्हारा जो भाई गया है? हमारा एक एक आदमी तीनों गाड़ी का गया है उधर उसके पास है. बराबर. वो काय के लिए और कितने पैसे मांगे थे? 400 रूपए. 400 रूपए एक गाड़ी पर मंथ? एक गाड़ी का 400 रूपए. हमारी गाड़ी अंडरलोड है, एक टन हमारी लिमिट से भी एक टन अंडरलोड है. अच्छा. तो भी वो पैसे मांग रहा है? बराबर. हमारे पास पैसा है नहीं. बराबर. और उनको पैसा चाहिए. और आपका नाम क्या है सर? आपका नाम? रामचंद्र. रामचंद्र कहाँ से रहने वाले? नोखा. बीकानेर. बीकानेर. ओके सर.